130 साल से भारत की रेलें रास्ते नापते चली आ रही हैं। आज रेल द्वारा रोज लगभग 1 करोड़ यात्री सफर करते हैं। अपनी अपनी किस्मत लिए इतने लोग कहीं ना कहीं पहुंचने की तमन्ना रखते हैं। आज यात्रा की दूसरी रात है। हम आमला से मध्य प्रदेश के जंगलों की ओर जा रहे हैं। अभी तक सोए नहीं? नहीं, नींद नहीं आती। सो जाओ, मैं कह रहा हूं अभी कुछ नहीं होने वाला। सुनो, एक काम करोगे? कहो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स दिल्ली ले जा रहा हूं, अगर जरूरत पड़ी तो तुम उन्हें पहुंचा सकोगे? पेपर्स? क्या मतलब? मेरे बैग में एक फाइल है, पेपर्स उसमें है। मैं एड्रेस लिखकर दे सकता हूँ। इन पेपर्स की वजह से वो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे थे? हाँ। क्या तुम बोलना चाहते हो तो बोलो, नहीं तो जैसी तुम्हारी मर्जी। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में मेरी छोटी सी नौकरी है, बीवी है, दो बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं। कुछ दिन से शोषित लोगों की मैं सेवा करता रहा हूं। सोशल वर्कर हो? हाँ, ऐसे कुछ समझो। खेत मजदूर लोगों को मैंने मिनिमम वेज मिलने में हेल्प किया, उसके बाद हर बड़ा किसान मेरा दुश्मन बन गया है। अब तारी कॉन्ट्रैक्टर भी मेरे खिलाफ हो गए हैं। 30 आदिवासी लोगों को खराब माल बेचकर मार डाले और सरकार कुछ नहीं कर सकी। ये कैसे हो सकता है? तुम इन लोगों की ताकत को नहीं जानते मिस्टर नायर। मेरे कहने पर 3-4 आर्टिकल्स अब छपे हैं और अब कुछ लोकल लीडर्स भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, शायद उनके मतलब के लिए। इसीलिए ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तुम ये सब क्यों करते हो? तुम्हें क्या मिलता है? मिलता तो कुछ भी नहीं, पर गरीब लोगों की भलाई होती है। तुम्हारे बीवी बच्चे क्या करेंगे तुम्हें कुछ हो गया तो? ये सोचा है कभी तुमने? तुम्हारी अपनी फैमिली की तरफ ड्यूटी सबसे पहले है। ये नजरिया कितना छोटा है मिस्टर नायर, मैंने इसे कभी नहीं सोचा था। बच्ची कहाँ जा रही हो? चलो सो जाओ, रात को नहीं घूमते। जाओ इशिता, जाओ। कम है। ये देखा, सब दरवाजा बंद करके सो गए। किसी को फिक्र ही नहीं है कि मुझे रिहर्सल करानी है करके। राजन जी, मैं गिर जाता तो ये लोग कम से कम दरवाजे पे लिखना तो चाहिए। अभी मैं गिर जाता तो समझते मैं नाटक के डर से भाग गया करके जान बूझ के। कम से कम एग्जिट, नो एग्जिट लिखना चाहिए था इसे। अरे बा, अब मर जाना है। अरे बा, क्या हुआ निशा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? इधर बहुत भारी लगता है और जी भी मिचलाता है। थोड़ा सोडा लोगी, आराम मिलेगा। नहीं, नहीं, नहीं। सुनिए, कहीं सोडा मिलेगा तो देखना। इस हालत में ऐसा ही होता है, सब कुछ ऐसा ही लगता है। मैं जानती हूँ, दो बार पहले भी मिसकैरेज हो चुका। क्या? और तुम्हारे पति ने कुछ नहीं किया? अरे बा, मैंने
मेरे हस्बैंड बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पर हम वो भी हिम्मत हार चुके हैं। इस बार कुछ गड़बड़ हो गई, इससे हिम्मत हार निशा, रो मत, रो मत, इस हालत में रोना ठीक नहीं। मगर मेरे समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारी सास ने तुम्हें ऐसे हालत में छोड़ कैसे दिया। मैंने मेरी कोई परवाह थोड़ी ना, वो तो हमेशा शिकायत ही शिकायत करते हैं। तेरे बाबूजी ने ये नहीं दिया, तेरे बाबूजी ने वो नहीं दिया, मैं तो जो भी करती हूँ गलती करती हूँ। और तुम्हारा पति कुछ नहीं कहता? वो तो अच्छा आदमी लग रहा था। वो बेचारे क्या कहेंगे, वो तो माँ के खिलाफ नहीं जा सकते ना। हमारी भी एक इकलौती लड़की थी शोभा, उस बेचारे को विवाहित जीवन का सुख नहीं मिला, वो आग में जलकर मर गए और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। पोता नहीं दिया तो मुझे और मेरे घर वालों को बहुत परेशान करेगी। कोई आगे बढ़ाए, रुक जाओ, रुक जाओ, उनके पास हथियार हैं, गोली चला दूंगा। पीछे क्या हो गया, जैसे शुरू हो गई क्या? हम तो तलवार लेके बंदूक लेके क्यों खड़ा है? डाकू, चार आदमी उधर भाग गए हैं। हर पेहवाला किधर गया? क्या सो रहे हो तुम लोग? गाड़ी में डकैती हो गई और आप लोग सो रहे हो? क्या हुआ साहब? डाकू, चार आदमी उतर गए, जल्दी जाओ, गाड़ी तब तक नहीं जाएगी। क्या करना साहब? गाड़ी तब तक नहीं जाएगी जब तक डाकू पकड़े नहीं जाएंगे और लोगों का सामान नहीं आ जाएगा। क्या हो रहा? कुछ नहीं, वो आरपीएफ के लोग चोरों को जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप?
छोड़ दीजिए रे। क्या कर रहे हैं आप? इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। नायर, माइलेज सेक्शन अमला। माइलेज कंट्रोलर। आई एम गार्ड ऑफ 82 एक्सप्रेस स्पीकिंग बिटवीन अमला एंड नागपुर। हेलो। अच्छा साहब, ये हमारी गाड़ी में डकैती हो गई है। कितनी देर ट्रेन लेट हो सकती है? ऐसा है कि आरपीएफ वाले उनके पीछे गए हैं ढूंढने के लिए, डकैतों के लिए। हाँ, तो गाड़ी को डिटेन होने का उम्मीद है करीब 20 या 30 मिनट। अच्छा, कोई गाड़ी की फॉलोइंग ट्रेन तो नहीं है गाड़ी के पीछे? ज्यादा समय नहीं ले सकते, इटारसी पैसेंजर गुजरने वाली है, जितनी जल्दी हो सके ट्रैक को खाली करना पड़ेगा। अच्छा जी। इधर सामान लगा दिया गया है, सब लोग अपना अपना सामान कृपया पहचान लीजिए। अच्छा, कुछ ज्वेलरी भी मिली है? हमारी ज्वेलरी बहन जी, आपका हमारी ज्वेलरी है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगले स्टेशन पर पहचान करके आप ले जाइए, कानूनी कार्रवाई करके आपकी ये ज्वेलरी आपको मिल जाएगी। अरे मगर मेरा बैग किधर है? उसमें रम के 4 अड्डे थे, वो नहीं लाया वापस। तो मैं अपने रम की पड़ी है, यहाँ सबकी जान के लाले पड़े हैं। अरे मगर वो बहुत जरूरी है, तो नहीं गए आप लोग? आपको लेकर आना चाहिए। बिल्कुल रख लीजिए साहब, आपसे पहचान तो लिया। चलिए आइए। मेरा बैग, मेरे बैग किधर गया मेरा? उठाइए उठाइए। वेणुगोपाल भाई साहब, ये आदमी कहाँ गया? जो आदमी उसका पीछा कर रहे थे उसे घसीट के बाहर ले गए। कब? 10 मिनट हुए। आपने खुद देखा? जी, मैंने रोका भी, लेकिन वो मुझे धक्का देके निकल गए। किस तरफ गए? वो दूसरी तरफ। मैं आया भी था आपको पुकारते हुए, लेकिन वो आप इसे संभाल कर रखिए। जी गार्ड साहब, गार्ड साहब, वो वेणु एक पैसेंजर को 2 बदमाश जबरदस्ती गाड़ी से उतार कर ले गए हैं। वो रेणु गुंडा से उसका पीछा कर रहे थे। आप जरा आरपीएफ को भेजिए, वो यहीं कहीं आसपास होंगे, जरा तलाश करवाइए। पर श्रीमान जी, गाड़ी अब ज्यादा डिले नहीं की जा सकती, वैसे ही गाड़ी बहुत डिले हो चुकी है। अच्छा वैसे उन सज्जन का शुभ नाम क्या है? एस वेणुगोपालन, वो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को इस वारदात की सूचना दे दीजिए। जोश में आकर डाकुओं के पीछे निकल लिया और भूल ही गया कि पीछे वेणुगोपाल अकेला है। मुझे यहीं रहना चाहिए था, अब पता नहीं उसके साथ क्या होगा। अपने आप को क्यों दोष दे रहे हो बेटा? तुमसे जितना संभव था तुमने किया। स्वामी जी, ये तो अपने को तसल्ली देने वाली बात है। बड़े अफसोस की बात है कि इतने लोगों के होते हुए 2 आदमी अंदर आते हैं और 1 आदमी को घसीट कर ले जाते हैं। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। नायर, ये नींद नहीं आ रही, मैं कोशिश करती हूँ सुलाने की। बाला चो दूरे कुलभूषण दशरथ नंदना, बाला जो दूरे पालना बहिला अयोध्या से
हादसे पे दूसरा हादसा। मैं तो पूरी तरह बखरा सा गया, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और मुझे हमेशा लगता था कि ऐसे अवसर पे मुझे पूरा कंट्रोल रहता है। निशा, निशा, घबरा गई क्या बेटी? डरने की कोई बात नहीं है, उन्हें पकड़ लिया है। डरो मत, रो मत बेटी। मैं बहुत डरता था, अपना देखा मैं चोरों से बचने के लिए पटरी पे छुप छुप के चल रही थी कि अचानक चोरों ने मेरे को देख लिया और मेरे पीछे भागने लगे। उनसे बचने के लिए मैं भी उनके पीछे भागी, जोर जोर से भागी। मैं गाड़ी पकड़ने के लिए जैसे मैं गाड़ी के नजदीक पहुंचती थी वैसे गाड़ी मुझसे दूर और भी जाती थी। मेरा दिल तक तक कर रहा थी और मेरी टांगें जैसे टूटने को लगी थी। इतने में मेरे को चोरों ने देख लिया और मैं जोर से भागी। तो देखा सामने एक स्टेशन था, तो मैंने सोचा कि स्टेशन पर मेरे 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 माँ मेरे बाबूजी से मेरे हस्बैंड होंगे। तो फिर स्टेशन की तरफ जोर से भागी तो देखा स्टेशन पर कोई नहीं था, सिर्फ एक औरत बैठी थी। तो मैं बचाओ बचाओ करते हुए उस औरत के पास गई तो देखा वो मेरी सास बैठी थी और मेरे सिर को बचाने के बजाय वो चोरों को देख कर हंस रही थी। फिर मैंने उन्हें पता कि मैंने की होया, मैं बहुत डर गई। मैंने बहुत डर लगया। इन डाकुओं की वजह से आपको काफी परेशानी हुई है। आप कहे तो हमारे दिल्ली के आश्रम में 2-3 दिन विश्राम करें, फिर आगे चलें। इतना समय कहाँ है मेरे पास बेटे, यात्रा का अंत होने वाला है। कुछ पढ़कर सुनाओ मुझे बेटे। जी, इन्हीं दिनों 1892 का साल था। आंखों तले की पीड़ा, भारत का दुख उनके पूरे अस्तित्व पे छा गया। इस दुख ने उन्हें अपना निशाना बना लिया, जैसे एक शेर अपने शिकार को बनाए। उत्तर भारत से दक्षिण की ओर भागे, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिला। ये कौन सी किताब है? स्वामी विवेकानंद की जीवनी है। मैं जरा देख सकता हूं? कन्याकुमारी पहुंचते पहुंचते वो बुरी तरह थक चुके थे, मगर टापू जाने के लिए नौका का किराया नहीं था। बिना झिझक समुद्र में गोता लगाया और तैरने लगे। मंजिल पर पहुंचकर देखा जैसे पहाड़ की ऊंचाई से समूचे भारत को अपनी आंखों में समो रहे हों। बहुत अच्छी किताब है। इतनी पसंद है तो किताब रख लो बेटे। आप पढ़ लीजिए, बाद में मैं ले लूंगा। आप इस पर अपना नाम जरूर लिख दीजिए। पेन है मेरे पास। आपका शुभ नाम? गोपालन नायर।
गोपालन नायर। गोपालन नायर जी, गोपालन नायर एक सहयोगी की ओर से प्रबोधन। ले जाइए, ले जाइए।